नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। बिरसिंहपुर पाली मां बिरासिनी सेवा समिति पत्नी के द्वारा आज कलेक्टर उबरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जगत जननी मां बिरासिनी देवी मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंदिर में नागरिकों की एक समिति प्रबंध संचालन समिति बनाई जाकर स्थानीय नागरिकों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। मंदिर के गर्भगृह के अन्य अंदर पुजारी और पढ़ा के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति का प्रवेश को रोका जाए। मंदिर में एक लेखापाल की भर्ती की जाए जो नियमित रूप से नियमित समय तक बैठे ताकि नियमित रूप से निर्बाध रूप से काम किया जा सके। विश्वविख्यात बिरासिनी माता जवारों को उठाने की व्यवस्था के लिए प्रबंध समिति स्वयं इसका व्यय के लिए अलग से रसीद काटकर उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कलेक्टर उमरिया ने नागरिकों की बात गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था सुधारने की बात कही है। इस दौरान मुख्य रूप से संदीप अग्रवाल, कृष्णकांत अवधिया, विजय लालवानी, सुनील गुप्ता, पवन संभर, संजय लालवानी, रवि मिश्रा, सौरभ अग्रवाल, नितिन वासवानी, विजय वासवानी, स्वपिल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग बिरसिंह पाली से महाविरासिनी सेवाधाम समिति के सभी कार्यकर्ता आए हुए थे कलेक्टर साहब से मिले, जो कि हमारी ये महाविरासिनी कचौरी कालीन प्रतिमा है और दिन प्रतिदिन वहाँ की अपन देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कलेक्टर साहब से हमारी यही मांग थी कि हमारी माँ की जो भी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर साज सज्जा हो, चाहे हफ्ते में भंडारे का प्रोग्राम हो और बहुत सी अन्य मांगों को लेकर, जिससे माँ बिरासिनी की जो प्रतिमा है, जो उनकी ख्याति है, वो हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश प्रदेश तक जा सके। इस विषय को लेकर हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की और हम यही सोचते हैं कि कलेक्टर साहब पाली आकर वहाँ मुआयना करके हमारी मांगों को। आज हम लोग सभी बिरसिंहपुर पाली नगर से माँ बिरासिनी धाम सेवा समिति की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी कुछ मांगों को रखे, क्योंकि माँ बिरासिनी का हमारा मंदिर बहुत पौराणिक है और उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं जिसको हम नगर के सभी लोग काफ़ी दिन से महसूस कर रहे थे। उस उद्देश्य को लेकर आज हम सभी लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर मांग रखी, जिस पर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपके नगर पे माँ बिरासिनी के मंदिर पर आकर सभी अव्यवस्थाओं को देखेंगे और उनको दूर करने का अथक प्रयास करेंगे।